आज हमारे साथ फिर से एडीओ ऑफिसर राजेश सर बैठे हुए हैं। कोई एक स्टूडेंट आता है तो कौन कौन लोग हैं जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि इसमें जो है नॉर्मल स्नातक मांगता है, मतलब जो कला संकाय का हो या साइंस बैकग्राउंड का हो, किसी बैकग्राउंड का रहे, इसलिए जो मतलब एडीओ है ना वो बहुत ज्यादा हाइक पे रहता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है वो एग्जाम दिला सकता है। इस बात है कि पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है इस एग्जाम का? क्या है, कुछ दो तीन पार्ट ही अलग है इसमें। जैसे छत्तीसगढ़ हम 50 नंबर का जो हमारा पीएससी प्री में आता है, इसमें छत्तीसगढ़ 30 नंबर का आता है, तो लगभग ये कॉमन हो गया। उसके बाद पंचायती राज हमको छत्तीसगढ़ में पढ़ना पड़ता है, इसमें भी पढ़ना पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ इसमें 30 नंबर का रहता है एडीओ में, और पंचायती राज स्पेशली 30 मार्क्स के रहते हैं 30 नंबर के। इसके अलावा तीन सेक्शन है, क्योंकि हमको पंचायत एवं ग्रामीण विकास में वर्क करना पड़ता है, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं उससे संबंधित जो है वो 30 नंबर का रहता है। 30 नंबर का आपका आजीविका लाइवलीहुड का पार्ट रहता है, और 30 आपका जो है क्या बच गया, पंचायती राज आजीविका ग्रामीण विकास छत्तीसगढ़ और हिंदी, हाँ 30 मार्क्स जो है हिंदी रहता है। इस तरीके से 150 मार्क्स का टोटल है। ओके, मतलब पांच सेक्शंस हैं, सब 30 मार्क्स के, और वो आपका 150 बनाता है। हाँ ठीक है।